काम सेमेस्टर फर्स्ट 2023-24 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है और ये जो सब प्रोसेस है ये ऑनलाइन होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपके खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको फिल करेंगे और ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं एक एक करके ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने रखूँगा, आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको फॉर्म जो है फिल करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन सब आपके काम की चीज़ें हैं। आप देखिएगा कि इसके कोई 3 स्टेप हैं, एक एक करके आप उसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेप नंबर 1 में अगर हम देख लें तो प्रोफाइल जो है आपने इसमें डालनी है। इसका जो सबसे पहली है कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है, या आपने अकाउंट क्रिएट करना है और फिर आपने साइन अप करना है। अकाउंट क्या क्रिएट करना है, ये 4-year UG जो प्रोग्राम है और CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एज वेल एज जिन बच्चों ने ये टेस्ट नहीं दिया था, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसी पहले पॉइंट को आप देखिए, आपने जाना है इसी पे jkadmission.summer.ac.in, ये जाके आपने खोलना है क्रोम में। खोलने के बाद आप दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, सब कैंडिडेट जो है इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा कि उसमें आपने ये लिखा है कैंडिडेट हुआ पेड CUET 2023 एग्जामिनेशन आर एडवाइज टू सेलेक्ट द ऑप्शन रजिस्ट्रेशन नंबर। जिन बच्चों ने 2023 में अपेयर हुए हैं टेस्ट में, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन से, और वो ये बताएंगे कि हमने अपेयर हुए हैं, और जो नहीं अपेयर हुए हैं वो ये बताएंगे कि हम अपेयर नहीं हुए हैं। नंबर 5 पे आप चले जाइए जी, कि जो कैंडिडेट का रजिस्टर विद CUET एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एज पर NTA साइट, जो आपने NTA साइट पर डेट ऑफ बर्थ है और आपका एप्लीकेशन नंबर है, वो स्टूडेंट बाज याद रखे जो CUET के लिए अपेयर हुए थे और जो नहीं भी अपेयर हुए थे लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा था, वो अपने डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर उसके ऊपर डालेंगे। नंबर 6 पे आप आ जाइए, इसमें जो नॉन CUET कैंडिडेट हैं यानी जो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, वो रजिस्टर करेंगे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, वैलिड ईमेल, मोबाइल नंबर और क्रिएट करेंगे अपना पासपोर्ट। ये जो 6वां नंबर है, 6 जो नंबर है सीरियल नंबर, इसको ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, या तो वो अपना ईमेल भूल जाते हैं या मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, और जब वो फाइल में पहुंचते हैं इससे पहले भी उनको दिक्कत आती है। आप ये ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर भी वही रखिए जिसको आप चेंज करने वाले नहीं हैं, और ईमेल खास करके जो आपका परमानेंट रहने वाला है। नंबर 7 पे आपको कन्फर्मेशन का एक ईमेल में SMS आएगा, और वो क्या करना है, विल बी सेंट टू द सक्सेसफुली, जब आपने पूरी तरीके से भर लिया ये तो आपको ईमेल पे एक मैसेज आ जाएगा। नंबर 8, स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्रोवाइड द करेक्ट ईमेल एंड मोबाइल नंबर विच कैन फर्दर बी यूज्ड एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन। ये मैंने आपको पहले ही कह दिया, 6 को ऐड किया है इन्होंने, कि ये चूंकि आगे भी आपके एडमिशन में काम आता रहेगा। ये 8 पॉइंट हो गए जी पहले पार्ट के। अब है पार्ट 2 इसका, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपने साइन इन करना है एडमिशन पोर्टल पर। आपको याद होगा कि आपने नंबर 1 पर रजिस्ट्रेशन कर ली, यानी आपकी एक ID बन गई, अब आप रजिस्टर्ड जो CUET नॉन CUET कैंडिडेट हैं वो लॉग इन करेंगे अपने पोर्टल पे जाके, और यूज़ करेंगे वो जो CUET का एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर ईमेल एंड अ पासवर्ड सेट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो आपने पहले स्टेप में अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया है उसमें जो पासवर्ड आपने रखा है वो आप याद रखेंगे, और यहाँ पे जब आप आएंगे यानी कि इस पार्ट 2 में, पहले आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर अपना आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और फिर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो याद रखना है वो डालेंगे, तो आपका लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन का ये मीनिंग हुआ आसान लफ्ज़ों में कि आपका वो जो
आईडी है और आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट देखिए कि कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू शेयर देयर पासवर्ड विद एनीवन। अब देखिए ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका पासवर्ड जो होगा वो बिल्कुल सीक्रेट होगा, वो आप किसी के साथ शेयर मत करिएगा। हालांकि ऐसा होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो दुकानों पर जाकर करवाते हैं तो वो पासवर्ड सबके पास होता है। अब आ जाइए जी पार्ट नंबर तीन प्रोफाइल करेक्शन पर। सक्सेसफुल रजिस्टर्ड जो इसमें CUET और नॉन CUET कैंडिडेट होंगे वो रिक्वायर्ड टू क्रिएट द प्रोफाइल बाई प्रोवाइडिंग द करेक्ट डिटेल्स। वो जो है अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे करेक्ट डिटेल देकर, क्योंकि अब सब कुछ आधार की वजह से ऑनलाइन है तो आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो करेक्ट नहीं होगी तो वो आपका फेच नहीं करेगा। नंबर टू, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द सोशल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी केयरफुली। आपके पास जो भी कैटेगरी होगी वो आप बड़े ध्यान से भरेंगे, क्योंकि ये एक बार आप रजिस्टर हो जाएगी ये सब ऑनलाइन है, पहले मैनुअल में होता था वो बाद में भी ठीक हो सकता था। कैटेगरी इज वन इन विच स्टूडेंट कैन क्लेम बेनिफिट एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी, और वही कैटेगरी जिसमें आप क्लेम करेंगे बेनिफिट का, यानी अगर आपकी सीट वहाँ पर रिजर्व हो रही है जिस कैटेगरी में तो वो वहाँ पर आप भरेंगे। टू अवेल द बेनिफिट, तीसरा पॉइंट, अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शुड पोसेस द रिक्वायर्ड वैलिड सर्टिफिकेट, और उसके लिए आपको वैलिड सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। पहले ये भी होता था कि बच्चे के पास कैटेगरी तो बनी नहीं है, वो भर देता था मैनुअल और बाद में सबमिट करता था, चल जाती थी। अब ये आपने पहले ही तैयार रखना है। नंबर चार पर आ जाइए कि कैंडिडेट एडवाइज टू केयरफुली फिल ऑल द डिटेल्स ड्यूरिंग प्रोफाइल क्रिएशन। तो इन्होंने फिर रिपीट किया कि कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जा रहा है कि वो केयरफुली ये सारी एडवाइस पढ़ेंगे। नंबर पाँच, कैंडिडेट कैन अपडेट द प्रोफाइल बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल, के जो कैंडिडेट है वो अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट से पहले, यानी कि पोर्टल बंद होने से पहले अपडेट कर सकता है कि उसमें उसका अगर कुछ वो होगा। अब चलिए जी नंबर पार्ट फोर्थ जो इसका है, कैंडिडेट सी क्लेम अंडर NCC NSS जो भी स्पोर्ट्स है, भारत स्काउट गाइड स्पोर्ट्स, ये इसमें जो भी होगा वो भी ये ऑप्शन क्लिक करेगा अगर इससे बेनिफिट वो कैटेगरी में स्पोर्ट्स में लेना चाहता है। और इसका टू ये है कि अगर वो नहीं है तो वो उसको स्किप कर देगा, उस ऑप्शन को वो नेक्स्ट कर देगा। आप नंबर पाँच पे आ जाइए। अब नंबर पाँच पे देखिए, कैंडिडेट एडवाइज टू प्रोवाइड द करेक्ट एकेडमिक डिटेल, कि उसकी जो करेक्ट एकेडमिक डिटेल है 10th की, प्लस टू की, इंक्लूड बोर्ड, ये भी बताएगा कि JK बोर्ड का है, CBSE का या किसी और का है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्ट्रीम, पासिंग ईयर, यानी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, उसका रोल नंबर क्या था, उसकी स्ट्रीम क्या थी और उसका ईयर ऑफ पासिंग क्या था, और बोर्ड भी बताएगा। प्लस टू मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट कैन बी ऑटोमेटिकली फेच्ड। जब आप ये सारी डिटेल बनाएंगे तो जो फॉर्म आप फिल कर रहे होंगे उसमें ऑटोमेटिकली आपके प्लस टू के नंबर शो हो जाएंगे, क्योंकि सारे बोर्ड जो हैं वो अब ऑनलाइन हैं। और तीन पे ये लिखता है कि वो ऑटोमेटिकली अगर फेच नहीं होते हैं कैन सेलेक्ट, तो आपको रीफेच का एक ऑप्शन वहाँ पर होगा, तो रीफेच को आप टिक करेंगे तो फिर आपके नंबर आ जाएंगे, यानी कि पहली बार में ही क्लिक करने से आपके नंबर नहीं आते हैं, आप रीफेच करेंगे तो नंबर आ जाएंगे। नंबर चार पे ये लिखा है कि अगर फिर भी नहीं आते हैं तो फिर आप क्या करोगे कि मैन्युअली वो नंबर अपने हाथ से जो करेक्ट नंबर हैं वो आप उसमें भर दोगे। नंबर पाँच पे है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड प्रोवाइड अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इफ़ एट एनी स्टेज द इन्फॉर्मेशन फाउंड टू बी इनकरेक्ट द कैंडिडेट मे बी डिसक्वालीफाइड। अगर किसी वक्त भी ये पता चल गया कि कुछ डिटेल आपने भरी हैं वो सही नहीं है, आप डिसक्वालीफाई हो सकते हो, लिहाजा आप इसका ध्यान रखिए। पार्ट सिक्स, एलिजिबिलिटी डिस्प्ले, भाई कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है। इसका नंबर वन है, कैंडिडेट कैन चेक द एलिजिबिलिटी इन वेरियस प्रोग्राम एज पर द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई द कैंडिडेट। कैंडिडेट एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी केयरफुली, वो कैंडिडेट देखेगा कि वो किस सब्जेक्ट में भर सकता है, वो ध्यान से देखेगा। मैं इस वक्त ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि साइंस का स्टूडेंट जो है तो वो एक आर्ट्स का स्टूडेंट तो साइंस में नहीं जा सकता है, जाहिर सी बात है, इसे पोटन जोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो वो तो नहीं ले सकता है, तो अकॉर्डिंगली ही वो अपने सब्जेक्ट चूज़ कर पाएंगे।
पार्ट सेवन इसका जी कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। अब ये वक्त आ गया कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेट क्लेम किया है, आपने बताया है कि मेरे मार्क्स इतने हैं, कैटेगरी इतनी है, मैं कहाँ का हूँ, वो सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट एज पर द सिलेक्टेड कैंडिडेट। कैंडिडेट एडवाइज टू क्लियरली स्कैन द डॉक्यूमेंट विच शुड प्रॉपरली रीडेबल। द अपलोडेड डॉक्यूमेंट कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कमिटी मेंबर ऑफ द वेरियस कॉलेज। आप बिल्कुल साफ तरीके से उसको स्कैन करेंगे। पहले भी मैनुअल में ये भी होता था कि धुंधला ज़ेरॉक्स भी होता था, चलता था, क्योंकि ये कमेटी जो है ऑनलाइन उसको चेक करेगी, लिहाजा इसका आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको क्या करना है, कन्फर्म करना है और उसको सबमिट करना है। आफ्टर अपलोडिंग द ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट कैंडिडेट शुड प्रेस द सबमिट ऑप्शन सो दैट स्टेप वन ऑफ द एडमिशन विल बी कम्प्लीटेड। ये सारा कुछ करने के बाद आपका पहला स्टेप जो है एडमिशन का कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टेप टू आपका शुरू हो रहा है प्रेफरेंस। इसमें है ए प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन कि आपने कौन सा प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करना है। नंबर एक, फॉर सीकिंग द एडमिशन टू वेरियस यूजी प्रोग्राम रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर एडवाइज टू सिलेक्ट द प्रोग्राम इन विच दे आर एलिजिबल। पहला जब आपने कर लिया, आप रजिस्टर्ड हो गए यानी आप उसमें दाखिल हो गए, अब आप एलिजिबल हैं कि आप अपनी मनपसंद का कोर्स चुन सकते हैं। नंबर दो, कैंडिडेट हु हैज़ अपेयर्ड द कॉमन एंट्रेंस एग्जामर एडवाइज टू सिलेक्ट द सीयूटी बेस्ड प्रेफरेंस। जो बच्चे जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर हुए थे वो उस कॉमन इंट्रेंस के बेस पर जो प्रेफरेंस वहाँ दिए गए होंगे वो वही सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्या है ये मज़ीद डिटेल आप देखिए। सी यू टी कैंडिडेट द सिस्टम विल डिस्प्ले द सी यू टी स्कोर एंड वेरियस प्रोग्राम इन विच द कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई। जो बच्चे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सी यू ई टी में अपेयर हुए थे, जब वो उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ ये खुलेगा कि आपका स्कोर कितना है, आपको अपना स्कोर भरना है, डिटेल्स भरनी है जो भी आपकी वो मांगेगा, और जितने नंबर हैं वो डालने हैं। बी में कहता है द कैंडिडेट कैन नो क्लिक द प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन ऑप्शन। फिर वो जो फर्दर प्रेफरेंस सिलेक्शन ऑप्शन होगा वो आप क्लिक करेंगे। द सिस्टम विल डिस्प्ले, जब आप फर्दर प्रेफरेंस को क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर पर आ जाएगा इन विच द कैंडिडेट इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन, कि आपके नंबरों के हिसाब से वो बताएगा आपको खुद ही कि आप इन इन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपका मेरिट करता है कि आप, फॉर एग्जांपल, आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, पोल रख सकते हैं, सोशो रख सकते हैं, या कौन सा नहीं रख सकते। डी पर आइए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज़ द फिल्टर लाइक डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कॉलेज टू व्यू द वेरियस प्रेफरेंस इन विच द कैंडिडेट कैन अप्लाई। इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, ये बात भी समझने की है। सपोज आप ये फिल्टर लगाते हैं कि मैंने जम्मू का कोई स्टूडेंट है तो वो चाहता है कि मैं जम्मू में ही रखूं, तो वो लगा देगा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही मुझे एडमिशन होनी चाहिए और सच एंड सच कॉलेजेस में होनी चाहिए। मान लें कोई राजौरी का है तो वो ये देखेगा कि भाई मुझे राजौरी डिस्ट्रिक्ट ही मिलना चाहिए, क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें आपको कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकती है और दूसरा कॉलेज भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप फिल्टर लगा देंगे तो आपके चांस होंगे, अगर आप मेरिट में फाल करेंगे तो आपको वही कॉलेज मिलेगा। आगे चलते हैं जी हम, के कैंडिडेट एडवाइज, जो है ये फिल्टर वाला हो गया। फिर ई ऑप्शन है, आफ्टर सेलेक्टिंग द वेरियस प्रेफरेंस कैंडिडेट कैन अरेंज द प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर बेस्ट चॉइस। ई जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आपको सारा समझ आ गया, अब आपने अपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करने हैं, यानी सबसे पहले किस सब्जेक्ट को आप प्रेफरेंस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुझे ये मिलना ही मिलना चाहिए तो उसको नंबर वन पे रखेंगे। फिर आप ये चाहते हैं कि अगर मुझे पहला नहीं मिला है तो चलो दूसरा मिल जाए तो उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे, एंड सो ऑन। जितने ऑप्शन वहाँ दिए हुए होंगे फिर आप उसको लगाते जाएंगे। सपोज आपका मेरिट इतना है कि आपको पहला ही मिल गया तो वेल एंड गुड, और हो सकता है कि आपका मेरिट इतना हो कि आपको तीसरे वाला मिले तो वो आप वैसे ही लगाएंगे, और इसके लिए आप काउंसलिंग कर लें और अपने आप से भी आप काउंसलिंग कर लें कि आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं और कौन सा आपका ये है कि अगर अल्टरनेट क्या है कि अगर ये ना मिले तो मैंने फिर कौन सा लेना है। कम से कम तीन, दो तो होने ही चाहिए, तीन अल्टरनेट आपके पास होने चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली सेलेक्ट एंड अरेंज देयर प्रेफरेंस। इन्होंने फिर रिपीट किया है कि वो अपने प्रेफरेंस को केयरफुली अरेंज करें।
जिसको पहले पे चाहते हो तो पहले पे रखिएगा, दूसरे पे चाहते हो तो दूसरे पे रखिएगा। कई बार ये भी होता है कैंडिडेट ऑप्शन तो भर रहा होता है, वो जो सबसे अच्छा उसका प्रेफरेंस होता है जो चाहता है वो तीसरे पे भर देता है, क्योंकि उसका मेरिट अच्छा होता है और उसको पहले वाला जो उसको पसंद नहीं होता है उसने वो पहले पे भर दिया होता है। तो ये बात आप समझ लें। फिर क्या है जी आगे आगे के जो इफ़ द CUET कैंडिडेट इज़ नॉट फाइंडिंग एनी सूटेबल प्रेफरेंस अंडर CUET प्रेफरेंस ऑप्शन, द कैंडिडेट कैन सेलेक्ट द प्रेफरेंस अंडर नॉन CUET प्रेफरेंस ऑप्शन। अच्छा, इनमें जो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में बच्चे अपेयर हो गए हैं, इनको एक फ़ायदा हो रखा है कि अगर उनको उसमें अच्छा प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, यानी जिन जो बच्चे अपेयर हुए हैं, तो फिर वो नॉन CUET कैंडिडेट के ऑप्शन में भी जा सकता है, क्योंकि इस बार नॉन CUET कैंडिडेट को भी इन्होंने मौका दिया था। फिर कैंडिडेट विद CUET प्रेफरेंस ऑप्शन शैल बी गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर नॉन CUET प्रेफरेंस ऑप्शन ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। ये पॉइंट है जो मैंने पहले बात की कि जिन बच्चों ने कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट दिया था उनको दूसरों पर जो है एक बेनिफिट रहेगा, उनको अहमियत रहेगी या प्रेफरेंस रहेगा, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। कैंडिडेट कैन ऑल्सो प्रिव्यू द प्रेफरेंस सेलेक्टेड एंड अरेंज ड्यूरिंग द प्रेफरेंस सिलेक्शन प्रोसेस, और वो ये भी कर सकता है कैंडिडेट के प्रिव्यू कर सकता है कि मतलब उसने प्रेफरेंस दिए हैं, पहले फिल किए हैं, और फिर वो प्रिव्यू पे क्लिक करेगा, उसको नज़र आ जाएगा कि पहला ऑप्शन आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बच्चा पहले बॉटनी को दे रहा है, फिर जोलॉजी को दे रहा है, फिर केमिस्ट्री को दे रहा है, फिर वो प्रिव्यू करेगा कि आपने ये तीन जो हैं पहले पे ऑप्शन दिए हैं। आफ्टर सेटिस्फाइड बाय द प्रेफरेंस सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, फुल प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपकी सारी प्रोफाइल वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। सारी क्या डिस्प्ले होगी? आपका नाम, आपका पता, 10th 12th, आपके ये प्रेफरेंस, आपकी कैटेगरी, आपने किस कॉलेज को चुना है, वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा और आप फिर एक बार मज़े से रीड कर सकते हैं। नंबर 3, कैंडिडेट हु हैज़ नॉट अपेयर फॉर CUET एग्ज़ाम कैन ओनली सेलेक्ट द नॉन CUET बेस्ड प्रेफरेंस सिलेक्शन। जो बच्चे कॉमन इंट्रेंस टेस्ट में नहीं गए थे वो एक ही ऑप्शन चुन सकते हैं और वो ऑप्शन उनका होगा नॉन CUET। जबकि मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो बच्चे कॉमन इंट्रेंस टेस्ट में गए थे, चाहे उनके मार्क्स इंट्रेंस में कम भी हो, उनके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला तो वो CUET ऑप्शन में देखेंगे, उसमें नहीं आते तो फिर वो नॉन CUET में आ पाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था तो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा। इसमें कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट एलिजिबल बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड बाई द वेरियस हायर एजुकेशंस। तो इसमें कैंडिडेट जो है अपने एलिजिबिलिटी देखेगा, ये डिफर करेगी, यानी पूरे इंडिया की ये बात हो रही है और हमारे जो जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जिस जैसे जैसे उनका मेरिट होगा वैसे उनको देखा जाएगा। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट मल्टीपल सब्जेक्ट मल्टीपल कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस। तो कैंडिडेट जो है इसमें काफ़ी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, कॉलेजेस चुन सकते हैं। सपोज एक बच्चा जो है वो 3 4 कॉलेज भी दे सकता है कि उसको ये कॉलेज मिल जाए, ए ना मिले तो बी मिले, बी ना मिले तो सी मिले। ये भी आपको पहले ध्यान में रखना है कि आप किन किन कॉलेजेस में जा सकते हैं। कैंडिडेट शुड सेपरेटली सबमिट एवरी प्रेफरेंस इफ़ मल्टीपल प्रेफरेंस इज सेलेक्टेड फ्राम द सेम रजिस्टर अकाउंट। कैंडिडेट शुड सेपरेटली सबमिट एवरी प्रेफरेंस, उसको हर प्रेफरेंस अलग से करना चाहिए सबमिट, अगर वो मल्टीपल प्रेफरेंस चुनता है। अब फाइनल स्टेप है, स्टेप 3 है जी, एप्लीकेशन की पूरी का सबमिशन। कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द वेरियस एग्री चेक बॉक्सेस आफ्टर केयरफुली रीडिंग ऑल द ऑप्शंस। कुछ चेक बॉक्सेस होंगे, छोटे छोटे बॉक्स होंगे, उनको टिक करना होगा, लेकिन वो रीड करके केयरफुल करके कि वो क्या पूछा जा रहा है उसको आप टिक करते चलिए। कैंडिडेट शुड फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, और अब वक्त वो आ गया है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ये था सारा प्रोसेस आपके फॉर्म का। आप खुद सारा ये कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पीसी है, आप वहाँ बैठ के कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो, वरना दुकानों पर जाकर इसके काफ़ी पैसे लगते हैं। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट मेयरली सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट द कन्फर्मेशन सीट, और ये भी कैंडिडेट को बता दिया जाएगा नोट में कि खाली सबमिशन कर देना ही नहीं है कि उसकी सीट कंफर्म हो गई। एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इज ऑनली कन्फर्म वंस,
उसकी एडमिशन तब कंफर्म होगी, उसके लिए ये पॉइंट है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन सैम प्रोग्राम ड्यूरिंग द सीट अलोकेशन राउंड, कि वो शॉर्ट लिस्टेड में कैंडिडेट आएगा या नहीं आएगा, यानी आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नंबर टू, एक्सेप्टेंस ऑफ द अलोकेटेड सीट बाय कैंडिडेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। एक्सेप्टेंस ऑफ द अलोटेड सीट बाय द कैंडिडेट विद इन द स्टिपुलेट टाइम, कि उसको वक्त दिया जाएगा कैंडिडेट को कि इतनी देर के लिए आपकी ये सीट है, आप एडमिशन इसमें लो, वो नहीं लेंगे तो नेक्स्ट को मिलेगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय कमेटी मेंबर ऑफ द, जो भी कमेटी बनेगी वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेगी, अगर वो डॉक्यूमेंट सही निकलेंगे तब जाके आपका फाइनल होगा। और फिर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी, और लास्ट में आपकी एडमिशन फ़ी सक्सेसफुल जब हो जाएगी तो ये सारा प्रोसेस आपका जो है इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सारा सिलसिला, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा और आपके लिए ये अच्छा रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको इस सबका फ़ायदा होता है इसको बड़े ध्यान से, अगर फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने कमेटी से अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है लेकिन ये बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप अपना नाम भरेंगे अगर मुख्तसर में देखूँ तो उसके बाद सारी लिस्ट आपकी आ जाएगी, आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट रखा जाए। अपना ध्यान रखिएगा, खुदा हाफिज़।